यहाँ पे हमने माँ को नहीं खींचा, ओ को खींचा, क्योंकि ओ के बाद ये साइन है राधा। तो इसमें हम धा को कितना खींच रहे हैं, रा को नहीं खींच रहे। आज हम सीखेंगे संस्कृत व्याकरण के बारे में। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि हम संस्कृत व्याकरण कहाँ से शुरू करें, लेकिन अगर आप आज के इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको दोस्तों गारंटी हम दे रहे हैं कि आपको ये जो भी हम बताएंगे वो कभी लाइफ में भूलेगा ही नहीं। अब जैसे होता है ना दोस्तों कि हिंदी व्याकरण जो है उसको हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करते हैं, उसी तरीके से संस्कृत व्याकरण को भी हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे ताकि वो हमें कभी भूले ना। जैसे हिंदी व्याकरण होता है जो चीज हम आज तक पढ़े हैं वो हमें कभी भूली है नहीं भूली है, उसी तरीके से अगर आप संस्कृत व्याकरण को भी पढ़ेंगे तो वो भी नहीं भूलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं संस्कृत व्याकरण भी बिल्कुल जीरो लेवल से। तो अगर मैं संस्कृत व्याकरण में सबसे पहली चीज आपसे पूछूं, वर्ड लिखा हुआ है ना, वर्ड पढ़ क्या होता है, तो अच्छा इसको बताने से पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्ण और अक्षर में क्या फर्क है, क्या वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं या फिर दोनों अलग अलग होते हैं, तो आप में से बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगी कि नहीं एक ही होते हैं, नहीं नहीं अलग होते हैं, लेकिन होते क्या है, है ना। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि वर्ण और अक्षर दोनों एक ही होते हैं, या तो आप वर्ण बोलिए या तो आप अक्षर बोलिए, बात एक ही है। अच्छा अब वर्ण क्या होते हैं, वर्ण मतलब भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके। जैसे अगर आपके पास अ है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आप इस अ के टुकड़े करो तो आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, अ के टुकड़े हम कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास क्या है, उ है, क्या है, उ है, तो अगर मैं बोलूं कि उ के टुकड़े करिए तो आप उ के टुकड़े कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, राइट। अच्छा अगर मैं बोलूं कि आप ई के टुकड़े करिए, इसके टुकड़े आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मतलब दोस्तों सीधे से सीधी बात यह है कि भाषा की और छोटी से छोटी इकाई, ये जो वर्ण होती है वो भाषा की छोटी से छोटी इकाई होती है, और साथ साथ दोस्तों इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। वर्ण मतलब भाषा की और छोटी छोटी इकाई, इसके टुकड़े ना किए जा सके, क्लियर। अब आगे देखिए वर्णमाला। अच्छा आपने देखा होगा दोस्तों माला, जब कोई मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो बाहर से फूलों की माला खरीद कर लाते हैं, तो वो फूलों की माला होती है, मतलब कि ऐसी माला है तो उसमें यहाँ पे फूल लगे होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्णमाला की, कहाँ मंदिर पहुंच गए तो वर्णमाला। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये कोई धागा है, ठीक है, अब इसमें मैं क्या करती हूँ दोस्तों कि जो मोती होता है ना, मोती को गूंथती हूँ, ठीक है, गुना सबको पता होगा ना मोती को डाल करके जो माला बनाते हैं, है ना। तो अब मैं करती हूँ, तो माना कि सबसे पहले मैंने एकदम बड़ी सी मोती लगा दी, उसके बाद उससे छोटी लगाई, फिर बड़ी सी लगा दी, फिर थोड़ी सी उससे छोटी लगाई, देन फिर एकदम ही छोटी लगा दी, फिर बड़ी सी लगा दी, फिर छोटी सी लगा दी, एकदम और ही छोटी सी लगा दी, फिर बड़ी सी लगा दी, फिर बड़ी सी लगा दी। अच्छा तो अगर मैं ऐसी माला बना दूं तो क्या ये कहीं से देखने में अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, बड़ी फिर छोटी 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 फिर बड़ी घुस गई, फिर एकदम ही छोटी आ गई, फिर बड़ी आ गई, है ना। तो ये तो सब दिखने में नहीं अच्छा लग रहा है ना, लेकिन अगर आप इसी को एक सीरीज में लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास सबसे बड़ी मोती है तो इधर अगर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इधर भी उससे छोटी, उससे छोटी, इधर उससे छोटी, तो ये माला देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो उसी तरीके से दोस्तों वर्णमाला में भी होता है, यानी कि किसी ने कहा जाए कि वर्णों के सही क्रम के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए, जैसे कि हिंदी में पढ़ते हैं ना स्वर, उसी तरीके से संस्कृत में भी स्वर पढ़ते हैं। तो हिंदी में दोस्तों जो स्वर होते हैं हिंदी व्याकरण में, उसमें स्वर 11 होते हैं, कितने, 11, पर संस्कृत व्याकरण में जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 13 होते हैं। देखिए कौन कौन से, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, लि, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो ये जो दोस्तों वर्ण हैं उन्हें क्या है, तो ये सभी क्या है, स्वर है। अच्छा अब स्वर कहते किसको है, ये भी इम्पोर्टेंट है,
स्वर कहते किसको है, मतलब कि दोस्तों ऐसे वर्ण, वर्ण भी हमने सीखा ना, जिसके आप टुकड़े ना कर सको, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे वर्ण जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल पाए, यानी कि जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर पाए, उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। या फिर ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ये चीज आपको आगे समझ में आ जाएगी। अब देखिए कि अ आ ई ई उ उ री ली ए आई ओ औ री, ये हमारे संस्कृत के 13 स्वर है। अच्छा, हिंदी में 11 होते हैं, तो संस्कृत में ये जो 2 वर्ण हैं वही हमारे क्या होते हैं, वही हमारे जुड़ करके स्वर को 13 कर देते हैं, ठीक है। यही 2 स्वर जुड़ करके स्वर को 13 कर देते हैं, ठीक है। और री, इसको क्या पढ़ते हैं, री री। चलिए, हमने स्वर सीख लिया। अब आगे क्या है, अब आगे है ह्रस्व स्वर। ये ह्रस्व स्वर क्या होता है, देखिए इसमें जो ह होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि इसमें जो है र, र जो है वो पूरा होता है और ह आधा होता है, तो ये बन जाता है ह्रस्व स्वर। क्या बन जाता है, ह्रस्व स्वर। अब देखिए, ह्रस्व स्वर मतलब दोस्तों कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगे, यानी कि जिनको बोलने में कम समय लगे। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, क्या है इसमें, अ ई उ री ली। हमने आपको बताया था ना कि हिंदी व्याकरण में क्या होता है कि 11 स्वर होते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में 13 स्वर होते हैं। जो री और ली है ये क्या होते हैं, ये दोनों हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, साथ ही साथ अ ई और उ ये भी ह्रस्व स्वर होते हैं। तो ये कुल कितने होते हैं, 5 होते हैं। मतलब कि दोस्तों इनको बोलने में आप देखिए कितना कम टाइम लग रहा है, अ ई है ना, उसके बाद उ री ली जल्दी से बोल लिया। अब आगे क्या है, दीर्घ स्वर, के नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज्यादा समय लगे। जैसे कि देखिए क्या है इसमें, आ, इसमें हम क्या बोल रहे थे, अ, और इसमें कह रहे हैं आ, ठीक है, उसमें बोलते थे अ और इसमें कह रहे हैं आ, तो आ बोलने में ज्यादा टाइम लगा लेकिन अ बोलने में कम टाइम लग रहा था। उस तरीके से ई, और ये है ई, ये है ई और ये है ई, है ना। उसके बाद क्या है, उ, और इसमें है ऊ, ऊ से हो गया जैसे दोस्तों उठना, क्या हो गया, उठना। तो इसमें क्या है, छोटा हुआ, देखिए इसको हम जल्दी से बोल लेना, उठना, ये तो नहीं बोल रहे उठना, ऐसे नहीं बोल रहे। वही अगर ये है तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे उल्लू, है ना, उल्लू। तो ये हमारा जो है बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, इसको बोलने में कम टाइम लग रहा है। तो जो कम टाइम लगे वो ह्रस्व स्वर है, जो ज्यादा टाइम लगे वो दीर्घ स्वर है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आता है ये कहा, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा है री। देखिए ये होता है दोस्तों री, ये सिंपल री होता है, ये होता है री, मतलब कि इसमें थोड़ा ह का भी उच्चारण होता है, री, है ना। अब आगे देखिए क्या है, संयुक्त स्वर, ये भी दीर्घ स्वर ही होते हैं लेकिन ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे कि देखिए अ और ई, इनकी संख्या हो गई 4, ठीक। तो अ और ई अगर इनको आप जोड़ देंगे, अधन ई, अधन ई, आप इसको प्लस नहीं बोलेंगे, कहां संस्कृत में मैथ घुसा रहे हैं, है ना। तो अधन ई, तो जब अ और ई दोनों जब जुड़ेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से अ धन ए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई। हमने आपको यहाँ, हम दोस्त आपको बता रहे हैं कि बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, पर वो अशुद्ध होता है, ये ए नहीं होता है, ये आई होता है, इसको हमेशा आई बोला जाता है, नॉट ए। अब क्या है, अ धन उ, अ और उ जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ओ, और ओ जुड़ेगा तो बन जाएगा अ, ठीक है। तो ये हो गया संयुक्त स्वर है, तो ये भी दीर्घ ही, लेकिन ये जो है वो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। तो मतलब कि हमने आपको बताया कुल 13 स्वर हैं, जिसमें से 5 आपके ह्रस्व स्वर हैं, 4 दीर्घ स्वर हैं, और ये हमारे 4 क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं, एक प्रकार से ये भी दीर्घ ही है, पर ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको
संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिए, अब हम क्या सीखेंगे, प्लुत स्वर सीखेंगे। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर मतलब दोस्तों ऐसे स्वर जिनको ह्रस्व स्वर से बोलने में 3 गुना ज्यादा समय लगता है। कितना? 3 गुना। जिनको बोलने में 3 गुना ज्यादा समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। अच्छा, अब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं राधा, ठीक है, अगर आपसे कहूं राधा और उसके आगे अगर मैं ये साइन लगा दूं, क्योंकि प्लुत स्वर का जो साइन होता है वो ये होता है। अगर आपको किसी भी शब्द में ये साइन दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि जिस भी वर्ड के बाद ये साइन लगा है उस वर्ड को हमें खींचना है, 3 गुना ज्यादा खींचना है। जैसे कि देखिए, धा के बाद क्या है यहाँ पर? इस प्लुत स्वर का साइन है, यही साइन होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी स्वर को 3 गुना खींचना, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बोलू राधा, क्या बोलू? राधा। तो इसमें हम धा को कितना खींच रहे हैं? रा को नहीं खींच रहे, धा को खींच रहे हैं ना, राधा, है ना। और अधिकतर जो प्लुत स्वर होते हैं इनका प्रयोग कब किया जाता है? किसी को बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे आप ये सोचिए कि जब आपके घर में कोई आपको बुलाता है तो माना आपका नाम क्या है? रानी है। ठीक है, तो कोई आपको नहीं बुलाता है, रानी बुलाएगा ना, रानी। ऐसे अगर आपका नाम रागिनी है माना, ठीक है, जो भी आपका नाम है कमेंट में बताइए, तो रागिनी ऐसे है तो होता है ना। तो मतलब कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में 3 गुना ज्यादा समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो साइन होता है, कहीं भी अगर आपको ये साइन दिखे समझिए वहां पे हमें क्या है? प्लुत स्वर है, वहां हमें 3 गुना ज्यादा खींचना है। जैसे कि अगर मेरे पास क्या है? ओम है। क्या है? ओम। तो अभी तो ये ओम है, पर जब ये साइन हमें दिख गया हम कहे ओहो ये साइन है, मतलब कि ये प्लुत स्वर का साइन है। मतलब हम कैसे बोलेंगे? ओम। यहाँ पे हमने माँ को नहीं खींचा, ओ को खींचा, क्योंकि ओ के बाद ये साइन है, ओम, है ना। जैसे कि आपने कब देखा होगा दोस्तों, जब ऐसे मलिन हो जाते हैं तो ऐसे करते हैं ना, ओ ऐसे करते हैं ना, तो वही चीज है दोस्तों यहाँ पर। ये क्या है? यही जो साइन है प्लस स्वर का साइन होता है। प्लस स्वर तो सभी स्वरों से ज्यादा इजी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में सीखेंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ संस्कृत व्याकरण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों मित्रों से जय हिंद।